गुड इवनिंग। आज हम अपनी सीरीज का थर्ड वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि पहले आप लोगों से बात हुई थी कि हम हर दिन एक वीडियो अपलोड करेंगे ताकि जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर कर सकें, तो आज उसी सीरीज में द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज अर्निंग पर शेयर और ईपीएस। अभी तक आप लोगों ने कल तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उसमें आपको ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि शेयर क्या होता है, और दूसरे वीडियो में हमने ये भी बता दिया आपको कि मार्केट कैप क्या होता है। तो उम्मीद है कि ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ इसी में हम अब एक अलग एक और पॉइंट समझेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम किसी स्टॉक को एनालाइज कर रहे होते हैं ऑन द पैरामीटर्स, एंड दिस इज़ पैरामीटर इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईपीएस भी कहते हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं कि ईपीएस या अर्निंग पर शेयर होता क्या चीज़ है। तो इसे हम देखिए, हमारे समझाने का तरीका ये है कि हमें कोई आपको एग्ज़ाम नहीं लिखाना है, तो हम आपको कोई डेफिनेशन नहीं रटवाएंगे क्योंकि उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, ट्रेड करने के लिए आए हैं, पैसे कमाने के लिए आए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लैंग्वेज जो है वो यूज़ करें जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए और आपको हमेशा वो चीज़ याद रहे, ठीक है। तो हम कोई बहुत ही हैवी जार्गन्स या बहुत टिपिकल फाइनेंशियल जो टर्मिनोलॉजी है वो नहीं यूज़ करेंगे, हम आपको आसान तरीके से समझाएंगे। अर्निंग पर शेयर आप ये समझ लें कि कोई कंपनी जो साल भर में अपना टोटल जो नेट प्रॉफिट कमाती है, कोई अगर प्रॉफिट कमाया किसी कंपनी ने एक साल के अंदर, उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे अगर हम उसे डिवाइड कर दें तो वो अर्निंग पर शेयर कहलाता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, टोटल मुनाफा जो किसी कंपनी ने साल भर में कमाया उसको अगर हम उसके नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर दें तो वो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, यानी कि वो कंपनी अपने पर शेयर पे कितना पैसा कमा रही है ये बता देगा आपको, ठीक है। अब हमारे लिए क्यों ये ज़रूरी है अर्निंग पर शेयर समझना या जानना, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कंपनी जितना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर उसका होगा वो कंपनी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं अगर समझने के लिए, कि अगर मान लीजिए किसी का अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का 25 रुपये है और वो कंपनी इस वक्त ट्रेड कर रही है 100 रुपये पे, तो ये एज्यूम किया जाता है, ऐसा एजम्पशन है कि अगर सब कुछ स्टैटिक रहता है, वो कंपनी वैसी ही रहती है, उसी तरह का बिजनेस करती है, तो अगले साल वो शेयर जो है जो 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और अर्निंग पर शेयर 25 रुपये का है, वो अगले साल 125 का हो जाएगा। तो ये एक तरह की फोरकास्टिंग का काम करता है आपके लिए और एक तरीके का फिल्टर का काम करता है जब आप कंपनीज को चूज कर रहे होते हैं। अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा है तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छी है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ अर्निंग पर शेयर देखकर ही कंपनी खरीदी जाती है। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर होंगी, लेकिन अर्निंग पर शेयर इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग योर डिसीजन वेदर टू बाय और नॉट, करेक्ट। अब हम आते हैं सीधे अपने एग्जाम्पल के ऊपर। अर्निंग पर शेयर आपको कहीं निकालने की कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप screener.com पे जाएं और आपको वहाँ पे अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे कि मैंने अभी ये सामने आपके इन्फोसिस कंपनी को खोल रखा है और इसका अर्निंग पर शेयर 58.8 है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन से मुझे ये पता चल गया कि ये शेयर अच्छा है या बुरा है। 58.8 इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। 25 से ऊपर का जो भी है ईपीएस वो अच्छा माना जाता है, या 25 तक जितना अच्छा होगा उतना माना जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ऐड करता दूँ कि अभी हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम क्योंकि सारे बेसिक्स कवर करते हुए जा रहे हैं, फिर हम जब आपको ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हम आगे लेके चलेंगे कि अर्निंग पर शेयर जो है वो हर एक सेक्टर का अलग अलग होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आईटी सेक्टर का अर्निंग पर शेयर हो वही टेक्सटाइल सेक्टर का अर्निंग पर शेयर हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें डिफ़र होती हैं, प्रॉफिट मार्जिन डिफ़र करता है, साइक्लिकल नेचर डिफ़र करता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ का, डिफरेंट सेगमेंट का, डिफरेंट सेक्टर्स का ईपीएस अलग अलग होता है।
तो हम जब उसे आगे एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस सेगमेंट का ईपीएस कितना माना जाता है या कितना अच्छा होता है। बट अभी आप अपने समझ के लिए, अपनी शुरुआत के लिए इस बात को मान लें कि जिस कंपनी का ईपीएस जितना ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा है। अर्निंग पर शेयर हम निकालते कहते हैं, उसका साल का जो नेट प्रॉफिट है उसको हम उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड करते हैं तो हमें पर शेयर अर्निंग पता चल जाती है, और ये हमें इस बात का इंडिकेशन देती है कि अगले साल अगर सब कुछ चीज़ें वैसी ही स्टैटिक रहती हैं, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की पॉलिसीज, द ग्लोबल एनवायरनमेंट, इफ़ एवरीथिंग वुड बिकम कांस्टेंट, तो जो अर्निंग पर शेयर है वो और उसका करंट प्राइस मिला के जो प्राइस है वो उसका अगले साल प्राइस होगा। अगर 100 रुपये पे कंपनी चल रही है, अर्निंग पर शेयर 50 रुपये का है, सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, तो अगले साल वो शेयर 150 रुपये का हो जाएगा। ये एक तरह का इंडिकेशन है हमें जब स्टॉक को सेलेक्ट करना होता है। बुरे अर्निंग पर शेयर अगर हैं तो वो हमें इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि कंपनी स्ट्रांग नहीं है। अच्छा अर्निंग पर शेयर है तो ये इंडिकेशन है कि कंपनी स्ट्रांग है, जैसे कि आपने इंफोसिस में देखा 58.8 का। हम कुछ और कंपनीज देखते हैं जो बहुत मशहूर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर आपका एमआरएफ का, करेक्ट। एमआरएफ का आप टाइप करेंगे अर्निंग पर शेयर 4777, अगर सब कुछ सही रहता है, 1,30,000 रुपये का शेयर अगले साल 1,34,777 का होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना ही है अगर सब कुछ कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके आपका जो जजमेंट होता है ना उसको बनाने में मदद करती हैं। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ दावे के साथ नहीं कही जा सकती कि अगले साल यही होगा या 6 महीने बाद यही होगा। सारे इंडिकेटर्स, सारी एनालिसिस जो हैं वो एक तरीके का फोरकास्टिंग ही कर सकती हैं। जैसे कि हम वेदर फोरकास्ट करते हैं ना कि भाई अगर बादल आए हैं और अगर जुलाई का महीना है तो यूपी में बारिश हो सकती है, लेकिन हो सकता है ना भी हो, वैसा ही इसके साथ भी है, ठीक है। बट मोर और लेस ये आपकी एनालिसिस का पार्ट है। एमआरएफ एक और अच्छी कंपनी देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लें इंफोसिस का, हमने देख लिया टीसीएस, फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का ईपीएस 127, अगेन वेरी गुड ईपीएस, ठीक। और किस कंपनी का देखना चाहते हैं? बाटा का, आई बिलीव कि कम होगा। बाटा ईपीएस 20 रुपये, कुछ खास नहीं है, अभी 1,339 पे है, 20 रुपये ईपीएस, तो एक अंदाज़ा लगता है कि अगले साल भी इस कंपनी में कुछ बहुत ज़्यादा एज सच नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज़ पे आते हैं आपकी और कंपनी देखें आपके लिए विप्रो। देखिए हमारा मकसद जो है ना वो आपको कोई चीज़ रटाना नहीं है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये, हम ये चाहते हैं कि आपको चीज़ों की समझ आए। आपको हम खाली एक डेफिनेशन रटा दें कि ईपीएस ये होता है और आप फिर उसी में फंसे रह जाएं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आए कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, देखना क्या है, क्या अंदाज़ा लगाना है, तो कोई मतलब नहीं है। तो जो लैंग्वेज होगी, अगर किसी को लगता है कि भाई लैंग्वेज बहुत प्लेन है, तो आप ये समझ लीजिए कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में किसी चीज़ को तभी समझाया जा सकता है जब उसे बहुत अच्छे से किसी ने पढ़ा हो। तो वो मैंने उस चीज़ को डिकोड किया है आसान लैंग्वेज में और आपको इसलिए वो मैं इजी लैंग्वेज में इसे समझाता हूँ। विप्रो का ईपीएस आप देखें 21 रुपीज़, ठीक। और हेवल्स ईपीएस देखते हैं कितना है, 18 रुपये, कमज़ोर, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका एक बड़ी मशहूर कंपनी है अडानी की। फंडामेंटल्स तो उसके अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा पैसा कमा के देती है, लेकिन फंडामेंटल्स के बिना के ऊपर अडानी जो है वो हमेशा वीक रहा है, इसीलिए लोग जो हैं उसमें बड़ा डरते डरते इन्वेस्ट करते थे, लेकिन पैसा उसने अच्छा किया। अडानी पावर 60 रुपये का ईपीएस, गुड इम्प्रूवमेंट है। और टाटा पावर्स देखते हैं, ये वो कंपनीज हैं जो कि कंपनीज अच्छी हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी उम्मीद है कि आगे अच्छा रिटर्न देंगी। टाटा पावर क्यों नहीं आ रहा है भाई? आया तो ओके, टाटा पावर कंपनी ईपीएस 11 रुपये, ओके कम है अडानी।
अब कुछ खराब कंपनी का ईपीएफ देखते हैं, ये तो आपने देखा रुपयों में। अब आपको जरा कुछ ऐसी कंपनीज का दिखाता हूँ जिसमें लोगों को जो है लोग भटकाए जाते हैं, और जो है टेलीविज़न पे बोला जाता है कि ये ख़रीद लीजिए, और जो टिप प्रोवाइडर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये ख़रीद लीजिए। अब ज़रा कुछ और कंपनी देखते हैं जो मुझे नहीं पसंद है किसी वजह से, मैं देखता हूँ सुजलॉन एनर्जी है ना, इस पर बड़ा इधर हंगामा मचा और कि बहुत बढ़िया हो गई है और साहब बड़े इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, स्टॉक बढ़ा भी, जो बात है लोगों ने इसमें कहा। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट बेकार है जिसे जिसमें आप पैसा लगा के आपको रात को नींद आए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने स्टॉक ले लिया, अब आप इत्मीनान से बैठे हैं, आपको मालूम है कि जाना तो इसको ऊपर ही है। लेकिन ये चीज़ सुजलॉन जैसी कंपनी में नहीं हो सकती। आप अगर देखेंगे, ये देखिए सुजलॉन का अर्निंग पर शेयर 53 पैसे है, 53 पैसा, ठीक है। एक और कंपनी जिसमें रोज ट्रेड होता है वोडाफोन आइडिया, ये देखिए -6 रुपये ये इसका अर्निंग पर शेयर है। ये क्यों ख़राब शेयर है, ये है इसकी वजह, ठीक है। आपको एक और कंपनी दिखाता हूँ, रेन, शायद अब सुधर गई होगी लेकिन एक टाइम में तो बड़ा ख़राब चल रहा था। रेन इंडस्ट्री देखता हूँ क्या चल रही है, ये देखिए 27 रुपये माइनस के ऊपर, ठीक है। तो इन कंपनी में, रेन इंडस्ट्री में अभी कुछ दिन पहले एक मूवमेंट आया था, लोगों ने ठीक पैसे भी कमाए। लेकिन क्या होता है ना, इन्वेस्ट अगर आप टेक्निकल पे सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं तो टेक्निकल पे तो यार फिर चार्ट देखना है और आगे बढ़ना है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे तो ये चीज़ कंप्लीट करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग करनी है तब तो बस चार्ट देखना है, फंडामेंटल का कोई मतलब नहीं है। चार्ट पे कंपनी सही लग रही है, पैसा लगाओ निकल जाओ। लेकिन ये वैसा ही है जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर होता है ना, कि अगर रेड लाइट है और लोग गाड़ी निकाल देते हैं तो इफ़ यू आर लकी देन इट्स फाइन, बट अगर आप रोज़ ये करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन तो आपका एक्सीडेंट होगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर आप फंडामेंटल्स नहीं देख रहे हैं किसी कंपनी के और मार्केट गिर गई तो फिर तो खुदा ही मालिक है आपका कि आपके पैसे वहाँ से बाहर निकल के आए। कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड ले रहे हैं तो अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उसमें थोड़ा बूस्ट हो जाता है। आपको मालूम है कि अगर नहीं भी बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं होल्ड कर लूँगा। लेकिन अगर फंडामेंटल ख़राब हैं और मार्केट ख़राब हो गई तो फिर सालों लग जाते हैं, 4-4 5-5 साल लग जाते हैं, स्टॉक अपनी पुराने भाव के ऊपर आता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है ईपीएस आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। एक और जाते जाते आपके लिए एक कंपनी देख लेता हूँ, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के। ये देखिए 314 रुपीज़ का ईपीएस है, कंपनी इस वक्त चल रही है 6,000 के ऊपर, ठीक है। मार्केट कैप, अब आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को देखना आ गया होगा, ये है कितना, 1 लाख करोड़ का, मीन्स आप खुद ही जानते हैं कि क्या है ना। कल आप लोग के जो वीडियो भेजा था उसमें आपको बताया था कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। लार्ज कैप कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, पुरानी कंपनी, 6,000 का स्टॉक, और ईपीएस देखिए आप कितना बढ़िया है इसका, 314। ये सारे आपको जितनी भी चीज़ें हैं, सेल्स ग्रोथ है, ये सारे धीरे धीरे आपको, ये सारे पर वीडियो आपको एक एक चीज़ हम समझाएंगे। तो जब ये पूरी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना तो आपको बिल्कुल पक्का एकदम हो जाएंगे, आप किसी स्टॉक को 5 मिनट में आप उसका एनालिसिस कर लेंगे कि ये स्टॉक लेने वाला है या नहीं लेने वाला है, ठीक है। ईपीएस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, और देखिए स्क्रीनर पे जाइए, अपनी मर्ज़ी से कंपनीज टाइप करिए, कोई भी कंपनी आपको जो लगता है उसकी। दो चीज़ें अब आपने पढ़ ली हैं तो मार्केट कैप देखिए, दिमाग में सोचिए लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है या मिड कैप है, और ईपीएस देखिए। ईपीएस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें एडिट रेशियो करके जाके आप इसमें ऐड कर सकते हैं ईपीएस, अदरवाइज आपको मनी कंट्रोल पे भी ईपीएस आपको मिल जाएगा। अगर आप मनी कंट्रोल पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये दो चीज़ें अब आपको प्रैक्टिस करनी है, एक मार्केट कैप देखना है और एक अर्निंग पर शेयर देखना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड कल मिलते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।